एक बिल्डिंग से सुसाइड होता है और बॉडी सीधा ट्रक पे गिरती है। उसके हाथ में भगवान की माला होती है। ऐसा लगता है मरते वक्त वो काफी डरा हुआ था। लेकिन ट्रक सुसाइड वाले पॉइंट से खिसक कर एक गली में जा खड़ी होती है। पुलिस टीम क्राइम सीन पहुंचती है और पता चलता है कि सुसाइड पास के कॉर्पोरेट बिल्डिंग से हुई थी। डिटेक्टिव बॉर्डन बिल्डिंग के बाहर चौकीदार से बात कर रहा होता है, तभी एक बड़ा कांच का टुकड़ा ऊपर से गिरा। वो लोग बाल बाल बचते हैं। दोस्तों, आज की मूवी 2010 में रिलीज्ड एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। मूवी का नाम है डेविल और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। सो कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। तो अब शुरू करते हैं। अब दिखाते हैं बिल्डिंग के लिफ्ट नंबर 6 में 5 लोग चढ़ते हैं, 2 लेडीज और 3 जेंट्स। उनमें से एक वहीं का नया टेम्पररी सिक्योरिटी गार्ड होता है। अचानक झटके से लिफ्ट बीच में ही रुक गई। कैमरे रूम में बैठे ऑफिसर्स तुरंत ही इस प्रॉब्लम का पता लगा लेते हैं और टेक्नीशियन ड्वाइट को कॉन्टेक्ट करते हैं, जो 35 फ्लोर के रूम के आउटर ग्लास वॉल टूटने की चेकिंग कर रहा होता है। कुछ ही देर में लिफ्ट में फंसे लोग इरिटेट होने लगते हैं। सभी को देर हो रही होती है। सभी लिफ्ट में नए सिक्योरिटी गार्ड को बातें सुनाने लगते हैं। तभी लिफ्ट में अनाउंसमेंट होती है कि इंजीनियर काम पे लगा है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लिफ्ट का स्पीकर तो काम कर रहा है लेकिन माइक नहीं। मतलब ये कि अंदर फंसे लोगों की आवाज सीसीटीवी ऑपरेटर वाले को नहीं सुनाई देगा। थोड़ी देर बाद लिफ्ट में फिर से अनाउंसमेंट होती है कि लिफ्ट इंस्पेक्शन के लिए लाइट कुछ देर के लिए बंद की जाएगी। लाइट के वापस आते ही सब देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ओल्ड लेडी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ओल्ड लेडी एकदम से घबरा गई। तब गार्ड बताता है कि बचपन में उसके भाई ने उसे 6 घंटे के लिए एक बक्से में बंद कर दिया था। तब से उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। इंस्पेक्शन के दौरान सब ठीक पाया जाता है। ड्वाइट कहता है उसे बेसमेंट में जाकर मेन सिस्टम चेक करना पड़ेगा। लिफ्ट में एक आदमी होता है जो बहुत बातें कर रहा है और सब उसकी बातों से इरिटेट हो रहे हैं। तभी लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और उस आदमी ने पास में खड़ी एक दूसरी लेडी को टच किया, लेकिन वो आदमी इस बात से डिनाई करता है। फिर ओल्ड लेडी उस आदमी से दूर रहने को कहती है। यहाँ ड्वाइट बेसमेंट में भी चेक करता है पर प्रॉब्लम का कुछ पता नहीं चलता। फिर वो ऑफिसर लेस्टिक से कहता है मुझे रोप से लिफ्ट के नीचे तक जाना होगा और उसे रीसेट करना होगा, यही एक ऑप्शन है। तभी ऑफिसर रमरेस को स्क्रीन पे एक शैतानी चेहरा दिखा। लेस्टिक को बताने पे वो कहता है लाइट का कोई इशू होगा। एक बार फिर लाइट फ्लक्चुएट होती है और इस बार लाइट वापस आने पे दिखाता है वही लेडी फ्लोर पे गिरी है और उसके कपड़े पे खून लगा है। वो कहती है ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे किसी नोकीली चीज से मुझ पे वार किया है। सब डर जाते हैं और सबका शक वही इरिटेट वाले आदमी पे जाता है। उसके हाथ और कोट में खून लगा होता है पर वो कहता है ये मेरे ऊपर खुद से गिरी थी। सीसीटीवी रूम से ये देखे जाने पे फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है क्योंकि ये अब एक फिजिकल असॉल्ट का केस बन चुका है। डिटेक्टिव बॉर्डन उसी एरिया की छानबीन कर रहा था, इसीलिए सबसे करीब होने की वजह से बॉर्डन को ये केस चेक करने भेजा जाता है। बॉर्डन वहां आकर फंसे लोगों को भरोसा दिलाता है और उसके बाद फौरन एलिवेटर कंपनी के टेक्नीशियन और फायर ब्रिगेड को बुलाने का ऑर्डर दिया। सिवाय सिक्योरिटी गार्ड बेन के अभी तक बाकी लोगों की आइडेंटिटी पता नहीं चल पाई है। रमरेस डिटेक्टिव को उस साया के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन लस्टिक उसे रोक देता है। सबसे पहले बेन के आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके कंपनी से डिटेल्स मंगवाई जाती है और फिर बिल्डिंग के विजिटर लिस्ट को चेक किया जाता है। अब दोबारा लाइट फ्रैक्चर होती है। जहां जख्मी लड़की खड़ी होती है उसके पीछे का शीशा जोर से टूटता है। सब डर कर इधर उधर होने लगते हैं और तभी लाइट आती है। जिस आदमी ने लेडी को टच किया था वो नीचे पड़ा हुआ है और उसके गले में कांच का टुकड़ा घुसा होता है, वो मर जाता है। तब तक सिक्योरिटी गार्ड बेन की डिटेल्स भी आ जाती है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है। रमरेज आकर डिटेक्टिव को खून के बारे में बताता है। जब स्क्रीन को फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया गया तो देखते हैं कि बेन ही उसके सबसे करीब खड़ा था। रमरेज एक रिलीजियस इंसान होता है और उसे ये सब खटकता है। वो कहता है जब डेविल आसपास रहता है तो सब कुछ गलत होने लगता है। वो इंसानी रूप में होता है और बुरे के साथ बुरा करता है। उसे पहचान पाना नामुमकिन है लेकिन उसकी बातों पे कोई गौर नहीं करता। लिफ्ट में सब डरे एक दूसरे पे शक करते हैं। यहाँ डिटेक्टिव बॉर्डन को डेड बॉडी के पॉकेट से एक लेटर दिखता है। उस पे विंस मैकॉर्मिक लिखा होता है जिसका ऑफिस इसी बिल्डिंग के 35वें फ्लोर पे है। खोजबीन से पता चलता है कि विंस एक घटिया इंसान था। 3 साल पहले फ्रॉड स्कीम बनाकर उसने काफी लोगों का पैसा खाया और जब तक उसका खुलासा हुआ लोगों का पैसा फंस चुका था। डिटेक्टिव फौरन उन सबकी लिस्ट मंगवाता है जिसने विंस के खिलाफ केस दर्ज किया है और उस लिस्ट को बिल्डिंग के विजिटर लिस्ट से टैली करता है पर कोई पकड़ा नहीं जाता। बॉर्डन आगे की खबर जानने उस बिल्डिंग में जाता है जहां से सुसाइड हुआ था। फॉरेंसिक को वहां एक सुसाइड नोट मिलता है जिसपे लिखा है मैंने शैतान के कदमों की आहट सुनी है। दोनों को ये काफी अजीब लगा। यहां अभी तक 2 लोग बेन और विंस की ही आइडेंटिटी पता चल पाई है, बाकी की इन्फॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है।
लिफ्ट में सिचुएशन खराब हो रही है और जब उनमें से एक बोलता है कि वो अफगानिस्तान वॉर में गया था जहां उसने लोगों को मरते देखा है, सब उसे शक की निगाह से घूरने लगते हैं। फिर वो कहता है, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम आता है, और लिफ्ट के ऊपर का कवर हटाकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बेन उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है। सभी को लगता है वो मर्डर करके भागने की फिराक में है। बेन कहता है, जब तक पुलिस ना आ जाए कोई कहीं नहीं जाएगा। सीसीटीवी रूम में रमरेज डिटेक्टिव को स्क्रीन पे वही चेहरा दिखाकर कहता है, ये बात मान लो कि कुछ भी अब हमारे हाथ में नहीं है। बॉर्डन अपने वॉलेट से एक पेपर निकालता है जिस पे आई एम सॉरी लिखा होता है। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी बीवी और बच्चे दोनों मारे गए और वो कातिल बस ये नोट छोड़ गया, इंसान ही सबसे बड़ा शैतान है, मुझे और किसी शैतान पे विश्वास नहीं। अब डिटेक्टिव शुरू से फुटेज को फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखता है और फिर गौर करता है कि शुरू में उस लेडी ने कहा था कि विंस ने उसे टच किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो खुद से हटी थी जबकि विंस चुपचाप खड़ा था, मतलब वो लेडी झूठी है। अब दिखाता है ड्वाइट लिफ्ट तक पहुंचने के लिए रोप से उतर रहा है और ऑफिसर लस्टिक वॉकी से उसे अपना लोकेशन बताने को कहता है। यहाँ लिफ्ट के अंदर बेन और ओल्ड लेडी के बीच भी झगड़ा हो जाता है। तभी लिफ्ट की छत पे जोर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। सब सहम जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें ऊपर खून नजर आता है। वो ड्वाइट होता है जो लटकते रोप से नीचे गिर गया था। अब सिचुएशन पूरी तरह हाथ से निकलता जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट को तुरंत उस फ्लोर के दीवार तोड़ने को ऑर्डर दिया जाता है जहां लिफ्ट फंसी है। विजिटर लिस्ट से पता चला उस जख्मी लेडी का नाम सारा कैरवे है। एक और नाम की एंट्री होती है जेन कोविस्के, जो शायद उस ओल्ड लेडी का नाम होगा। उसी ओल्ड लेडी को सीसीटीवी कैमरा में किसी का वॉलेट चोरी करते देखा गया। ऐसा लग रहा है मानो सारे बदमाश एक ही जगह इकट्ठे हैं। लेकिन अभी भी एक आदमी की आइडेंटिटी का पता नहीं चल पाया, ना ही उसकी कोई एंट्री है विजिटर लिस्ट में। सारे एंट्रेंस गेट के कैमरा चेक करने पे उन्हें वो आदमी दिखाई दिया, लेकिन उसके पास एक बैग था, पर यहाँ लिफ्ट में वो खाली हाथ होता है। लिफ्ट की लाइट फिर से गड़बड़ करने लगी और इस बार ओल्ड लेडी लिफ्ट की छत की वायर से टंगी हुई मिलती है। अब 3 लोग बचे हैं और शक की सुई सब पर है। एक और मर्डर के साथ पूरी बिल्डिंग को सील करने का ऑर्डर दिया जाता है, कोई बाहर ना जा पाए और ना ही अंदर कोई आए। तभी फायर डिपार्टमेंट का आदमी उन्हें पाइपलाइन कनेक्शन बंद करने को कहता है, क्योंकि उसके बाद ये दीवार तोड़ा जा सकता है। ऑफिसर लस्टिक बेसमेंट कनेक्शन बंद करने के लिए निकल जाता है और डिटेक्टिव बॉर्डन को वो बैग वॉशरूम में मिलता है, पर उसके अंदर बस इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं। पर इसे उसने यहाँ क्यों छुपाया? अब दिखाता है रमरेस माइक पे कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे सुनकर सारा अनकंफर्टेबल हो जाती है और फिर बड़ी चालाकी से वो बेन को दूसरे आदमी के खिलाफ भड़काती है, जिससे दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वो बेन को उसे मार देने को कहती है, नहीं तो ये हम सबको मार देगा। तभी डिटेक्टिव बॉर्डन रूम में आकर उन दोनों को रोकता है। सारा कैरवे बड़ी ही चालाक औरत होती है, इसने 3 अमीर आदमियों को फंसा कर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाए। केस हुआ लेकिन बच गई, क्योंकि उसका नाम कैरवे फैमिली से जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, और वो यहाँ लॉयर काजेन से मिलने आई थी। उसकी हिस्ट्री पता चलते ही बॉर्डन लॉयर से मिलने जाता है। लॉयर काजेन से बात करने पे वो सीधा सारा के हस्बैंड पे शक करता है, क्योंकि सारा 4th हस्बैंड की भी डॉलर लूटना चाहती है, इसीलिए उसका हस्बैंड उसे मारने की साजिश कर सकता है। इधर ऑफिसर लस्टिक बेसमेंट कनेक्शन बंद करने जाता है, पर इलेक्ट्रिक शॉक से वो भी मारा जाता है। अब उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कारवे कंपनी के अंडर आती है, जिसका मालिक सारा का ही हस्बैंड है। यानी ये सारी प्लानिंग सारा को मारने के लिए की गई है। सिक्योरिटी गार्ड बेन को भी जानबूझकर भेजा गया है ताकि वो सारा को मारे, और बाकी के खून बस पर्दा डालने के लिए किए गए हैं। लाइट फिर से फ्लक्चुएट होने लगी। डिटेक्टिव बॉर्डन कहता है, मुझे अभी लिफ्ट में घुसना होगा, सारा की जान को खतरा है। लिफ्ट में लाइट्स ऑफ हो जाती है। डिटेक्टिव सबको मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन रखने बोलता है, लेकिन अचानक सबके मोबाइल ऑफ हो जाते हैं और जब लाइट आई सब हैरान हो गए। इस बार बेन नीचे पड़ा होता है और उसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है। अब बचे सिर्फ 2 और खूनी इन्हीं में से कोई है। अब दोनों कांच का टुकड़ा हाथ में ले लेते हैं। डिटेक्टिव बॉर्डन बिल्कुल क्लूलेस हो जाता है और रमरेज से पूछता है, अब आगे क्या होगा? वो कहता है, इसका जवाब आसान नहीं। लोग अपने झूठ से बाहर नहीं आना चाहते, सच्चाई कभी नहीं कबूल करते, और झूठ पर टिकी दुनिया ही शैतान का चारा बनती है। डिटेक्टिव बॉर्डन दोनों से कांच नीचे रखने को कहता है। दोनों कांच रख तो देते हैं, लेकिन एक कांच का टुकड़ा सारा अपने बैक पॉकेट में छुपा के रखती है। फिर से लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और अब सारा जमीन पे पड़ी है और उसके गले से खून निकल रहा है। तभी सिक्योरिटी आकर बताता है कि बाहर कोई है जो लिफ्ट में किसी को जानती है, और वो होती है उसी आखिरी बचे आदमी की फियांसे, जिसका नाम वो बताती है टोनी जेन कोवास्की। आज उसका यहाँ इंटरव्यू था, लेकिन गलती से वो अपने टूल बैग ले आया, वो वही लेने यहाँ आई थी। यानी जेन कोवास्की के नाम से उस आदमी ने एंट्री की थी। तो फिर वो ओल्ड लेडी कौन थी?
और तभी वो ओल्ड लेडी दोबारा जिंदा होती है। वही वो शैतान है जो सबको मार रही होती है। वो टोनी से कहती है, अब अपनी बारी के लिए तैयार हो जाओ, तुम एक कायर हो जिसने अपनी गलती को अभी तक नहीं कबूल किया। टोनी कहता है, मुझे मार दो पर सारा की जान बख्श दो, और फिर अपना जुर्म कबूल करता है। 5 साल पहले उसकी गलती की वजह से हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक औरत और उसका बच्चा मारा गया। उसमें हिम्मत नहीं थी और वो वहां से भाग गया था। ये सुनकर बॉर्डन हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसी की फैमिली थी। जब लिफ्ट को खोला जाता है वहां 3 लाशों के साथ टोनी बैठा हुआ होता है और उस औरत का कहीं नामो निशान नहीं। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आखिरी परीक्षा डिटेक्टिव बॉर्डन की है, क्या वो भी शैतान की जाल में फंसेगा? लेकिन उसने अपने मन में कोई बदले की भावना नहीं रखी। कानून जो भी सजा सुनाए उसने अपनी तरफ से उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट डाउन, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।